नमस्कार, मैं प्रज्ञा धरधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार में कड़कड़ाती ठंड ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। लोग ठंड में ठिठुर रहे हैं। मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। फिलहाल लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। ठंडी हवाओं ने भी लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। पटना के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। शीतलहर का दौर अभी थमने की संभावना नहीं जताई गई है। बता दें कि पछुआ हवा के कारण पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भाग में घना कोहरा छाया हुआ है। अगर 4 दिनों तक लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। बुधवार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ईरान द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। इसी संदर्भ में मीडिया के सवालों पर भारत के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह मामला ईरान और पाकिस्तान के बीच का है। जहां तक भारत का सवाल है, आतंकवाद के खिलाफ हमारा रुख सख्त है और हम किसी भी तरह की छूट बर्दाश्त नहीं करते। हम समझते हैं कि कुछ देश आत्मरक्षा के लिए कार्रवाई करते हैं। अयोध्या में नए मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर महावीर मंदिर में उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन महावीर मंदिर के दक्षिणी कोने पर स्थित सीताराम की प्रतिमा के सामने सुबह 9 बजे से अखंड कीर्तन का आयोजन होगा। रात्रि 9 बजे तक रामचरितमानस से रामजन प्रसंग एवं अन्य रामधुन कीर्तन होगा। दोपहर 2 बजे से शुद्ध देशी घी में तैयार हलवा प्रसाद का वितरण भक्तों के बीच किया जाएगा। अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण महावीर मंदिर परिसर में लगे LED स्क्रीन पर किया जाएगा। संध्या 6 बजे महावीर मंदिर प्रांगण में 1100 दिए जलाए जाएंगे। इस अवसर पर 10,000 किलो नैवेद्य तैयार किया जा रहा है। भारत में सड़क दुर्घटनाएं आम बात है। रोड एक्सीडेंट में हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। सरकार भी सड़क हादसों को एक गंभीर समस्या मानती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और 2030 तक दुर्घटना से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य है। उन्होंने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए यहां सभी हितधारकों के सहयोग पर जोर दिया। नीतीश सरकार की ओर से बिहार के सरकारी स्कूलों में 1 से 8 कक्षा तक के बच्चों को कोर्स की किताबें मुफ्त दी जाती है। इस बार बच्चों के हाथों में शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही किताबें मिल जाएंगी। मिली जानकारी के अनुसार लक्ष्य है कि 15 मार्च 2024 तक सभी 9.25 करोड़ किताबें प्रखंडों में पहुंचा दी जाए, ताकि 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो तो उस समय बच्चों के लिए किताबें सभी प्रारंभिक स्कूलों में पहले से उपलब्ध रहे और उनकी पढ़ाई पिछड़े नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहारा समूह की सहकारी समितियों के 1.5 करोड़ निवेशकों का निबंधन हो चुका है। इनमें 2.5 लाख लोगों के 241 करोड़ रुपए वापस भी मिल गए हैं। सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता और आधुनिकता लाने का वादा करते हुए अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार में नए कानून, नए ऑफिस और नई पारदर्शी व्यवस्था के साथ सहकारिता क्षेत्र में नए युग की शुरुआत हुई है। अमित शाह बुधवार को नई दिल्ली में सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्य के सभी जिला और कुछ गैर जिला अस्पतालों में DNB कोर्स की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी है। स्पेशलिस्ट कोर्स है। इस दिशा में हम काफी सक्रियता से आगे बढ़ रहे हैं। सीतामढ़ी और LNJP हड्डी अस्पताल को DNB कोर्स शुरू करने की मान्यता मिल चुकी है। इसके अलावा और 15 चिकित्सकीय संस्थानों में DNB कोर्स शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है। उम्मीद है कि इन 15 संस्थानों को भी जल्द DNB कोर्स शुरू करने की मान्यता मिल जाएगी। यह बात स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह ने कही है। विश्व आर्थिक फोरम के बैटल ऑफ चीफ सत्र में केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की विदेश और आर्थिक नीति बहुत स्पष्ट है। सत्र में उनसे पश्चिमी देशों ने चीन और भारत के बीच सही चयन पर सवाल किया था। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत पर बहुत भरोसा की नजर से देख रही है। दुनिया भर के निवेशकों के लिए भारत सुरक्षित स्थान है। इसका सीधा उदाहरण है अपने यूरोपीय, अमेरिका और जापान से हुए समझौते। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अपने यहाँ चलने वाले तमाम योजनाओं, खासकर डिजिटल या ऑनलाइन संचालित होने वाली की जमीनी हकीकत को जानेगा। इसके लिए विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी रोजाना CEO से लेकर राजस्व कर्मचारी से सीधी बात करेंगे। शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक का समय इसके लिए निर्धारित किया गया है। वर्तमान सप्ताह से इसकी शुरुआत करते हुए सचिव जयसिंह राज्य के किसी अंचल के CEO या किसी पंचायत के कर्मचारी से सीधे फोन करके बात करेंगे और योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में समुचित जानकारी लेंगे। इसके लिए रोजाना राज्य के किसी अंचल का चयन रैंडम तरीके से किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के दौरान भारत की प्रगति की चर्चा की। वहीं उन्होंने कहा कि भारत सभी के सहयोग से सभी के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के उच्च स्तरीय नीति संवाद में भारत की विकास यात्रा को साझा करना उनके लिए सम्मान की बात है। कंबोज ने कहा कि भारत 2030 से पहले सतत विकास लक्ष्य 1.2 को पार करने की राह पर है। उन्होंने कहा कि भारत महिलाओं के विकास पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दे रहा है। पंकज त्रिपाठी अपनी अपकमिंग फिल्म मैं अटल हूं 19 जनवरी के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ऐसे में पंकज त्रिपाठी बड़े ही जोरों शोरों से इस फिल्म के प्रमोशन में लगे हुए हैं। हाल ही में प्रमोशन के दौरान पंकज त्रिपाठी से पूछा गया कि क्या वह 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए राम मंदिर जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं पूर्वांचल कहीं रहने वाला हूं, किसी दिन चुपके से जाकर श्री राम के दर्शन कराऊंगा। क्या है ना, मैं तीर्थ स्थानों के दर्शन दुनिया की नजरों से दूर जाकर कर लेता हूं, वहां शांति से सपरिवार चिंतन मनन करता हूं।
उम्मीदवार जो भी 10वीं 12वीं पास है और ITI का भी सर्टिफिकेट रखते हैं तो वे RBASC सेंटर साउथ ग्रुप सी के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सिन्हा ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करने की इच्छा रखते हैं वे 2 फरवरी 2024 तक ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय सेना ने के इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 71 पदों पर बहाली की जाने वाली है। इन पदों के लिए आवेदन फॉर्म का फॉर्मेट सेना की आधिकारिक वेबसाइट indianarmy.nic.in पर उपलब्ध है। शोध आधारित चिकित्सा प्रौद्योगिकी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आयातित चिकित्सा उपकरणों को किफायती बनाने के लिए वित्त मंत्रालय से मूल सीमा शुल्क को घटाकर 2.5% करने और स्वास्थ्य उपकरण को हटाने का आग्रह किया है। स्वास्थ्य ने इस बारे में हाल ही में वित्त मंत्रालय को प्रतिवेदन दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 1 फरवरी को 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करेंगी। AMTI के चेयरमैन और वायकॉन इंडिया के प्रबंध निदेशक पवन चौधरी ने कहा कि चीजों की किफायती बनाना सरकार का शीर्ष प्राथमिकताओं में से शामिल है। देश में 14-18 आयु वर्ग के 1/4 छात्र क्षेत्रीय भाषाओं में कक्षा 2 का पाठ भी धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते हैं। ग्रामीण भारत में 42% छात्र अंग्रेजी के आसान वाक्य तक नहीं पढ़ सकते हैं। हालांकि 3/4 बच्चे अंग्रेजी के वाक्यों का मतलब बता सकते हैं। यह दावा बुधवार को गैर लाभकारी संस्था प्रथम फाउंडेशन द्वारा जारी नई वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट में किया गया है। बियॉन्ड बेसिक्स शीर्षक वाली ASER 2023 के लिए 26 राज्यों के 28 जिलों में 14 से 18 आयु वर्ग के 34,445 बच्चों पर सर्वे किया गया। भारत में 74वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां जारी है। इसी बीच सीमा पर देश की रक्षा का सपना देखने वाली महिलाओं के लिए खुशखबरी है। खबर है कि भारतीय नौसेना को सप्ताह में ही युद्ध पोतों पर महिला अग्निवीरों की तैनाती शुरू करने जा रही है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फरवरी के अंत तक नाविकों के तौर पर महिला अग्निवीरों की युद्ध पोतों पर तैनाती हो सकती है। फिलहाल करीब 50 महिलाएं एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स जैसे बड़े युद्ध पोतों पर तैनात है। इसके अलावा कई महिलाएं एविएशन विंग में भी सेवाएं दे रही हैं। स्टडी में खुलासा हुआ है कि फंगस की वजह से सबसे ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। एक दशक पहले जहां दुनिया भर में हर साल लगभग 20 लाख लोग फंगल संक्रमण से मर जाते थे, वहीं इस साल ये आंकड़े दोगुना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि फंगल इन्फेक्शन से कुल 38 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये अध्ययन लेसेंट इन्फेक्शियस डिजीज में प्रकाशित हुआ है। लेसेंट इन्फेक्शियस डिजीज में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक भारत सहित 80 से अधिक देशों में किए गए अध्ययन के बाद यह खुलासा हुआ है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत खाते से निकासी के नियमों में बदलाव किए हैं। PFRDA द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक ये नए रूल्स 1 फरवरी 2024 से लागू हो जाएंगे। NPS के नए नियमों के मुताबिक अब किसी भी NPS खाताधारक को कुल जमा राशि के 25% से अधिक हिस्से के विड्रॉल की अनुमति नहीं मिलेगी। इसमें खाताधारक और नियोक्ता दोनों की योगदान राशि शामिल है। दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाली करेंसी की जब भी बात होती है तो सभी के मन में डॉलर का ख्याल आता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉलर सबसे ज्यादा चलने वाली करेंसी तो है लेकिन सबसे मजबूत करेंसी की लिस्ट में इसका नाम 10वें स्थान पर है। फोर्ब्स की लिस्ट में सबसे पहला स्थान कुवैत के दिनार का आता है, दूसरे नंबर पर आता है बहरीन दिनार, तीसरे नंबर पर आता है ओमानी रियाल। फोर्ब्स के अनुसार इस लिस्ट में भारतीय रुपया 15वें स्थान पर है। आपकी थाली की रोटी और महंगी हो सकती है क्योंकि देश भर के सरकारी गोदामों में गेहूं का भंडार 7 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के पास 1 जनवरी 2024 तक गेहूं का कुल भंडार 163.5 लाख टन था, जो 7 साल में सबसे नीचे है। इससे पहले साल 2017 में देश भर के गोदामों में 137.5 लाख टन गेहूं का भंडार रिकॉर्ड किया गया था। पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा भंडार 2021 में दर्ज किया गया, जब गेहूं का कुल स्टॉक 342.90 लाख टन था। 2022 में घटकर 330.12 लाख टन और 2023 में 71.70 लाख टन रह गया। अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्यों का दौरा करेंगे। उनका 3 दिवसीय दौरा 19 जनवरी को शुरू होकर 21 जनवरी को संपन्न होगा। इस दौरान वह महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में कई विकास परियोजनाओं को लॉन्च करेंगे, साथ ही कई अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 20 जनवरी को तमिलनाडु के त्रिची जाएंगे, जहां वह श्रीरंगम में स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में असाधारण सफलता की कहानी लिख रहा है, यह कहना है अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का। दावोस में एक साक्षात्कार के दौरान ब्लिंकन से भारत के बारे में सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि भारत लगातार असाधारण सफलता की कहानी लिख रहा है। हम उन उल्लेखनीय उपलब्धियों के भी गवाह हैं जो पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने प्राप्त किया है। भारत अब नई जगह पर है, भारत अब नए स्तर पर है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार विकास पर काम कर रहे हैं। हम दोनों देशों कई क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। 2024 की पक्षी गणना रिपोर्ट में ओडिशा के चिल्का झील में 180 से ज्यादा प्रजातियों के 11 लाख से अधिक प्रवासी पक्षियों की गिनती की गई। यह पिछले वर्ष के तुलना में करीब 6,000 से अधिक है। वहीं एक दशक के बाद दुर्लभ पलास मछली ईगल भी इसमें शामिल है। ओडिशा के प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुशांत नंदा के अनुसार जनवरी के पहले सप्ताह में एशिया के सबसे बड़े खारे पानी के लगून पर वार्षिक पक्षी गणना आयोजित की गई। गणना के दौरान 184 प्रजातियों के 11,37,759 प्रवासी पक्षी देखे गए।
रियर एडमिरल शांतनु झा ने बुधवार को भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान मुख्यालय में संचालन मामलों के चीफ स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाल लिया है। उन्हें नौसेना पदक से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले वे नौसेना मुख्यालय में कमोडोर के पद पर कार्यरत थे। रियर एडमिरल झा नेशनल डिफेंस एकेडमी से ग्रेजुएट है। उन्हें नौवहन और दिशा सूचक कार्यों में महारत हासिल है। रियर एडमिरल झा ने मद्रास विश्वविद्यालय से डिफेंस स्टडीज में और लंदन में किंग्स कॉलेज से इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजीज में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। ईरान में नौसेना अताशे के रूप में भी काम कर चुके हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार को नागालैंड से शिवसागर जिले के हलुवांटिंग होते हुए असम पहुंची। राहुल ने सुबह नागालैंड के तुले से बस यात्रा फिर से शुरू की और लगभग 9:45 बजे असम पहुंचे। हलुवांटिंग में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांधी का स्वागत किया और राज्य में 8 दिवसीय यात्रा के लिए कांग्रेस की असम इकाई के नेताओं को राष्ट्रीय ध्वज सौंपा गया। असम में यात्रा 25 जनवरी तक जारी रहेगी। जॉब करते वक्त कई कर्मचारी के साथ कंपनी भी एक निश्चित राशि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में डिपॉजिट करते हैं या एक तरह का निवेश ऑप्शन भी है। इसके अलावा रिटायरमेंट या फिर किसी जरूरी काम के लिए इस फंड से पैसे निकाले जा सकते हैं। सर्कुलर के अनुसार अपडेट ऑफ बर्थ को अपडेट करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया सकता है। दरअसल पहले जन्मतिथि अपडेट के लिए आधार कार्ड को अटैच करना होता था, लेकिन अब इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्री से क्रिकेटर MS धोनी को ईमेल के जरिए सूचित करने को कहा है कि 2 पूर्व कारोबारी साझेदारों ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है। मानहानि वाद न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह के समक्ष 18 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ था। वादी और पूर्व कारोबारी भागीदारी मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास ने धोनी कई सोशल मीडिया मंचों और मीडिया घरानों के खिलाफ स्वस्थायी व्यादेश और क्षतिपूर्ति का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इंटरनेट मीडिया फेसबुक यूट्यूब और एक्स को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अदालत के स्पष्ट आदेश के बावजूद बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरुद्ध पूर्व विधायक RD प्रजापति व अन्य के द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां सोशल मीडिया से नहीं हटाई गई है। झुंझुनवाला की एयरलाइंस कंपनी आकाशा एयर ने गुरुवार को अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन के विस्तार के लिए 150 बोइंग 737 मैक्स नैरो बॉडी विमानों के ऑर्डर का ऐलान किया। एयरलाइन ने हैदराबाद में आयोजित एशिया के सबसे बड़े कार्यक्रम विंग्स इंडिया एयर शो में यह घोषणा की। यह नई डील जनवरी 2024 में होगी। एयरलाइन की ऑर्डर बुक में कुल मिलाकर 226 विमान है। आकाशा एयर ने कहा कि वह एकमात्र भारतीय एयरलाइन है जो परिचालन शुरू होने के 17 महीनों के भीतर 200 से अधिक विमानों के ऑर्डर बुक तक पहुंचा है। टाटा ईवी अपनी पंच को उतारने के बाद अब और ज्यादा ईवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस लिस्ट में हैरियर के साथ कर्व भी होगी। पंच टाटा की पहली ईवी है जो कंपनी के नए एडवांस और पूरी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्किटेक्चर ACTI.EV पर बेस्ड है। इसमें जिसमें बेहतर पैकेजिंग के साथ ज्यादा लचीलापन देखने को मिलता है। इस प्लेटफॉर्म पर कंपनी की पहली पेशकश के रूप में पंच ईवी SUV है, जबकि अगली लॉन्चिंग कर्व प्रीमियम ईवी होगी। अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने सेवानिवृत्त हो चुके हैं। राजनयिक के रूप में 35 साल का शानदार करियर पूरा करने पर अमेरिका व्यापार जगत से जुड़ी हस्तियों ने इनकी विदाई के लिए समारोह का आयोजन किया। भारतीय विदेश सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले संधू के सम्मान में US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने रिसेप्शन रखा, जिसमें व्हाइट हाउस विदेश विभाग के शीर्ष अधिकारियों के अलावा कॉरपोरेट जगत की कद्दावर हस्तियां शरीक हुई। हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गोलू कुमार, जितेंद्र ठाकुर, रविशंकर, मोहम्मद सकीर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, अनवर करीम खान, धनंजय कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन आपके क्षेत्र के मंदिरों में क्या कुछ खास हो रहा है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।